हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब आज का टॉपिक है टैक्स ट्रैप इन इंडिया एंड द ओनली सोल्यूशन टू कम आउट ऑफ दिस ट्रैप अब रिसेंटली uh, आई uh, फाइलिंग्स बहुत हुई हैं इकतीस जुलाई जो है लास्ट डेट था उसके थोड़े दिन पहले बजट अनाउंस हुआ था जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और इंडेक्सेशन बेनिफिट्स इस पर बहुत चर्चा हुई थी Uh, जो रेट्स हैं एल और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स उसके बढ़ाए गए थे राइट तो पहले जो लोग इन्वेस्टमेंट uh, करते थे इक्विटी पे स्टॉक मार्केट में अब उनको जब एज़ पर दिन योर जब वो अपने स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं उसके हिसाब से अब सरकार को ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा आपको तो एंड इसके अलावा और भी चीज़ें अनाउंस हुई थी ठीक है इंडेक्सेशन बेनिफिट्स हैं रियल इस्टेट में वो हटाया गया है सरकार द्वारा उसका भी खैर दैट्स अ सेपरेट स्टोरी क्या होगा कैसे होगा लेकिन एक बहुत क्लियर मैसेज है गवर्नमेंट द्वारा कि भैया आने वाले समय में आपको और ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा और मेरे ख़्याल से मुझे ऐसा लगता है इनफैक्ट बहुत लोग कह रहे हैं ऐसा कि गवर्नमेंट जा रही है टुवर्ड्स द ट्वेंटी परसेंट या थर्टी परसेंट टैक्सेशन डोमेन जहाँ पर इक्विटी मार्केट पे भी अगर आप ट्रेड करते हैं या स्टॉक मार्केट पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको थर्टी परसेंट टैक्स देना पड़ेगा ऑन द कैपिटल गेंस सुनो और लेटर उस दिशा में हम बढ़ मतलब उस तरफ बढ़ रहे हैं और सुनो और लेटर उस लैंडमार्क को हम अचीव कर लेंगे ऐसा बहुत लोग बोल रहे हैं बहुत पढ़े लिखे शानीय लोग कंट्री में हैं ऐसा बोल रहे हैं कि प्रोजेक्टेड है तो अब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें हम एज अ नॉर्मल पीपल जो नौकरी में जाते हैं काम करने पैसे कमाते हैं हम क्या ही कर लेंगे है ना सही बात है ज़रा से ज़रा हम एक बार प्रोटेस्ट कर सकते हैं बस कि अरे ये मत करो ये कम करो लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यही सोचना है कि यार ऐसा तो नहीं कि हमारे कंट्री में से टैक्स हैं बाकी कंट्रीज में टैक्स हैं कैनेडा यूएस यूके सब जगह टैक्स हैं और टैक्स के बिना चीज़ें कंट्री नहीं चलती है देश चलता है और तो तो हमारे टैक्स पेयर के मनी से चलता है जो जो कुछ भी हो आई I मीन mean, ये बांटना हो उसको ये बांटना है ये वेलफेयर रोड वगैरह वगैरह जो भी है सब कुछ ठीक है तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस टॉपिक पे रैंट करने से बोलने से कि अरे सरकार खराब है टैक्स बढ़ा दिया कर दिया वो कर दिया आप बोलते रहो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा ऐसे में कि मैंने पहले कहा कि लोग बोल रहे हैं दिस गवर्नमेंट, इनफैक्ट आगे आने वाले टाइम में कोई भी गवर्नमेंट आए किसी भी आ, ए पार्टी बी पार्टी सी पार्टी किसी की आ, कौन से पार्टी की गवर्नमेंट आए टैक्सेशन जो है वो बढ़ेगा और फ्री जो है आ, या जो भी है बेनिफिट्स वगैरह टू द लोअर क्लास वो बढ़ेंगी और uh, जो रिच है ऑब्वियसली वो तो रिच है ही वो बढ़ जाए टैक्स तो उससे कुछ फर्ट ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है वो लोग रिच हैं तो किसी रीज़न से हैं और उनके पास दिमाग है दैट्स वाई देयर देयर एंड वो कर लेंगे अपना जो गर, वैसे भी दे अर्निंग क्वाइट अलॉट तो हम हाँ पछता है मिडिल का लेयर है ना जो बीच में लोग जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो आप में से टैक्स देते हैं वो हैं यहाँ पर है ना तो क्या करें द ओनली सोल्यूशन to this uh, I वुड not say problem I would say this is a situation is that uh, you need to earn more and more money अच्छा अब uh, बहुत लोग आप में से नौकरी pe जाते हैं right अब जब तो नौकरी pe जाते हैं तो basically आप क्या कर रहे हैं नौकरी pe जाके अपने स्किल्स हैं आप स्किल्स को बेच रहे हैं अच्छा ठीक है मे बी कोई किसी के लिए काम कर रहा है ओबियसली मतलब नौकरी नौकरी है तो किसी और के लिए काम कर रहे हैं ओबियसली खुद का तो है नहीं लेकिन जो क्रक्स ऑफ द डिस्कशन मैं ये कहना चाह रहा हूँ तो क्रक्स है कि आप नौकरी पर आपके क्या करते हैं बेसिकली अपना खुद का टाइम किसी और को बेच देते हैं फॉर अ फिक्स्ड मंथली सैलरी जी ऐसा ही होता है ना तो इसका मतलब ये है कि हफ्ते में शायद आप अब पे सत्तर घंटे वाले डिबेट शुरू ना हो जाए लेकिन एनीवेज उसको थोड़ा साइड में रख के इस पर Uh, बात करते हैं कि लेट से सौ घंटे आप हफ्ते में काम कर रहे हैं अब चलो ठीक है अब ज़रा बोल दिया साठ घंटे काम कर रहे हैं सिक्सटी आवर्स पर वीक आप काम कर रहे हैं ठीक है तो उस हिसाब से, आप से आपको सैलरी मिलती है राइट तो उस सैलरी के लिए आप इतने आपने टाइम डिवोट कर रहे हैं सुबह आप उठते हैं ब्रश करते हैं फ्रेश होते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं कपड़े पहनते हैं फिर ट्रैवल करके ऑफिस पहुंचते हैं काम करते हैं वहाँ लंच करते हैं फिर से काम करते हैं शाम होते होते आप अपना काम ख़त्म करके वापस से ऑफ़िस से अपने घर आते हैं उसके बाद अपने कपड़े उतारते हैं और बस ख़त्म तो आप अपना टाइम रिवॉर्ड करना है दिस इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू गाइज आप अपना टाइम बेच रहे हैं किसी को इन रिप्लेसमेंट ऑफ इन प्लेस ऑफ़ दैट सैलरी विच यू आर गेटिंग अ मंथली बेसिस ठीक है अब ऑब्वियसली चौबीस घंटे होते हैं सबके पास ये चौबीस घंटे में ये जो आप टाइम दे सकते हो किसी और को इन प्लेस ऑफ द मनी वो फिक्स है करेक्ट अच्छा अब माल अब मैंने कहा क्या, क्या? मैंने कहा मैंने क्या कहा कि आई सेट कि यूनी टू अर्न मोर मनी ठीक है इसका यही इलाज है अब कैसे कैसे हाउ हाओ वुड वी हाओ वुड यू अर्न मोर मनी आप इतना ही टाइम दे रहे हो लेट से आपकी इंक्रीमेंट लगती है ठीक है लेकिन इंक्रीमेंट क्या हाफ रोज़ लगती है मतलब क्या हफ्ता हर हफ्ते लगती है लगती कि नहीं लगती है नहीं लगती है ना मे बी शायद छः महीने में, में एक बार इंक्रीमेंट लगती है या क्या बोलते हैं इसको सिक्स मंथ्स में एक बार रिव्यू होता है आपका मे बी जैसा भी होता हो एंड देन uh, इंक्रीमेंट लगती हो तो कितनी लगती होगी पाँच परसेंट दस परसेंट ऑफ ए बेसिक सैलरी तीन परसेंट ट्वेंटी परसेंट और कब तक जाएंगे आप चलो इंक्रीमेंट लगते दी एक लिमिट हो गई जहाँ तक इंक्रीमेंट गया आपकी कितना मैक्सिमम कितना आप पर मंथ कितना टेक होम सैलरी आप लेके आएंगे तीन लाख चार लाख पाँच लाख दस लाख दस लाख ठीक है एक एब फिगर पकड़ो दस लाख ओके अगर आप बहुत ही ब्रिलियंट हो दस लाख जो कि बहुत कम लोगों की है, दस लाख पर मंथ सैलरी बहुत कम लोगों की इंडिया में तो इससे यार आप ऊपर जा नहीं सकते राइट इस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है वगैरह वगैरह तो फिर वो बोलते हैं यार आप क्या करूँ आप इसके इसके यार रबर बैंड होता है रबर बैंड रबर बैंड को आप खींचते हो खींचते हो खींचते हो खींचते हो एक लिमिट आती है है ना जब रबर बैंड अपने मैक्सिमम खींचे हुए स्टेट में होता है राइट उसके आगे अगर आप खींचोगे ना उसको ऐसे करके तो वो रबर बैंड स्नैप हो जाता है पट और जो जिसकी और स्टैप होने के बाद वो अपनी स्टेट वापस नहीं आ पाता वो ख़त्म ही हो जाता है तो <laughs> आपका ही कुछ सिचुएशन ऐसे ही होगा बिकॉज एक पॉइंट के बाद 24 घंटे दिन में 24 घंटे होते हैं अगर आप सोलो घंटे पे काम करोगे डे पर डे तो आप इतना पैसा कमा सकते हो इसके ऊपर नहीं कमा सकते वट नेक्स्ट द ओनली ऑप्शन इज टू यू नो इंक्रीज योर सोर्सेज ऑफ इनकम दिट्स दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन आप इसमें लोग अग्री करें डिसग्री करें उससे वक्त नहीं पड़ता ये फैक्ट है इसके आगे आपके पास ऑप्शन ये नहीं है कि आपको एक अलग इनिंग्स खेलनी पड़ेगी ठीक है अच्छा आप अलग इनिंग्स कैसे करें एक तो जॉब होगी आपकी ठीक है अलग इनिंग्स क्या करें आपने कुछ सेविंग्स की होंगी उससे uh... इन्वेस्टमेंट होंगे आपके ठीक है ओके ठीक है इन्वेस्टमेंट होंगे लेकिन यार इन्वेस्टमेंट क्या है इन्वेस्टमेंट क्या आपका मंथली कुछ सैलरी टाइप आता है क्या कि इससे आपकी मेड का खर्चा निकल सके वगैरह वगैरह ऐसा कुछ होता है क्या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कुछ एफ डी किया या आ, या कुछ स्टॉक्स खरीदें तो आप क्या <laughs> हर महीने आप स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हो पुट कॉल बाय सेल चल रहा है ऐसा कुछ क्या और उस करने से भी आपको कितना पैसा मिल रहा है क्या कि आप आपका खर्चा वगैरह निकल जाएगा वगैरह हो जाए ये हो रहा है नहीं ना ही ना एक तरह से स्टडी इनकम के लिए आपको अदर सोर्सेस में जाना पड़ेगा मैं एक मैंने एग्जांपल दिया कि स्टॉक मार्केट भर लेकिन सब लोग नहीं कर पा सकते सब लोग नहीं कर सकते ठीक है अ वेरी ऑल्टरनेट गुड सोर्स ऑफ ऑल्टरनेट इनकम इज एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ यूट्यूब एंड बाय हाउ बाय ओपनिंग योर यूट्यूब चैनल जी हाँ एकदम मतलब कुछ खर्चा नहीं करना इसमें बस अपना एक फ़ोन उठाओ ऐसे आगे रखो ऐसे करके फ़ोन रखो आगे जैसे भी जो भी से कहीं पर रख दो टिका दो रिकॉर्ड बटन प्रेस करो और शुरू हो जाओ अब शुरू क्या होना है ये लोग पूछेंगे क्या बताएं कुछ भी जो आपको आता आपने जो आपके जो ऑफिस में जो स्किल आप जिसके लिए आप टाइम बेच रहे हो अपना स्किल्स खुद खोगा तभी तो आपको कुछ पैसे मिलते हैं ना तो कंपनी में तो वो बताओ अगर वो बताएं लाइक है तो यार कुछ नहीं आता तो मे भी कुछ और आपको कुछ आता हो वो बता दो मे बी शायद अगर आप आई के बारे में जानते हो जैसे कि इकतीस जुलाई को बहुत लोग मतलब ब्रश में आए थे अरे भरना है भरना है, आई भरना जल्दी करो आज लास्ट डेट है तो मे भी शायद आज आपको पता हो कि आ, कौन से आई टी फॉर्म किस लिए भरा जाता है कहाँ कहाँ क्या भरना है मे बी आप ऐसे कुछ ज्ञान बांटो यूट्यूब पे है ना या या कोई और ज्ञान बांटो यूट्यूब पे ठीक है या शायद आपको कुछ आ, पढ़ाने में इंटरेस्ट हो या अगर कुछ आता हो जो कि पढ़ाया जा सकता है लोगों को उसके लिए आप को लोग पैसे दें आप वो पढ़ सकते हो डन हो सकता तो तो ना पॉसिबल है या स्पेशली फॉर द लेडीज मतलब जो हाउसवाइफ्स हैं जो बैठी रहती हैं इनके पास जनरली इनको उतना नोहाव नहीं होता है तो बट दे आर वेरी गुड कुक्स बहुत बढ़िया खाना बनाना आता है तो भैया चिमनी जो होती है किचन की या जो चूल्हा होता है उसके बगल में एक ट्राईपॉड लिया उसमें कैमरा लगाया मतलब कैमरा या फ़ोन लगाया टिल्ट किया फ़ोकस किया चूल्हे पे और जो खाना बन रहा है उसको रिकॉर्डिंग शुरू और खोल लो यूट्यूब चैनल ए बी किचन एक्सम्रा किचन पॉसिबल है ना ये तो जो भी आपको आता है आप उसको आप उसके बेसिस पे यूट्यूब तो चैनल खोलो और शुरू हो जाओ तो इससे के रिगार्डिंग 10 अगस्त को सैटरडे 11 बजे से लेकर 1 बजे तक मैं एक वेबिनार करने वाला हूं ऑन द टॉपिक टॉपिक ये रहेगा कि हाउ वी कैन एंटर यूट्यूब एंड व्हाट ऑल कैन बी डन इन यू और कैसे काम कैसा खेला होता है यूट्यूब का कैसे पैसे कमा सकते हैं यूट्यूब से ठीक है क्या मैट्रिक्स होते हैं यूट्यूब पे क्या आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है थंबनेल कैसे थंबनेल क्या मतलब थंबनेल बनाना है क्या करना है ऑडियंस कैसी होती है क्या किसको शेयर करना है क्या कैसे नेटवर्किंग करनी है कैसे लोगों को बुलाना है अच्छा और कैसे एक अंदर का खेल जो होता है अंदर का यूट्यूब का अलगोदम बोलते हैं कि यूट्यूब अलगम क्रैक करने का ये बहुत डिफिकल्ट है वगैरह वगैरह तो ये यहाँ पर हम जानते हैं हम हम हमारे ख़ुद का यूट्यूब चैनल में यूट्यूब चैनल्स हैं एक नहीं दो नहीं यानी कि नॉट जस्ट वन बट मैनी दिस इज़ वन जिससे आप अभी मुझे समय देख रहे हैं वो एक चैनल है सिर्फ एकमात्र मेरे बाकी सारे चैनल है। uh, हैं और मोनिटाइज हैं ऑब्वियसली एंड uh, मैं भी पैसे कमा रहा हूँ उससे और मैं चाहता हूँ कि आप भी पैसे कमाएं बिकॉज मैंने ये नोटिस किया कि अब धीरे धीरे ना सरकार के तरफ से प्रेशर आ रहा है एंड टाइम सा गोना बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू गाइज फॉर ये गाइज हु आर सोल्ली डिपेंडेंट ऑन ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए बहुत ही मतलब आगे खतरे की घंटी है जो कि सरकार ने दे दी है बाय रेजिंग द टैक्स उन्होंने क्लियर बोल दिया मैसेज क्लियर है उनकी तरफ से कि भैया हम आगे कुछ कम नहीं करने वाले जो लोअर क्लास है उनसे कुछ मिलता रहेगा आगे ही मिलता रहेगा रिजर्वेशन ये जो भी ये सब कुछ है और भैया रिच तो रहे चाहिए उनकी तो खैर बात ही अलग है बस आप लोग हो आप लोग कमा रहे हो पैसा तो भैया अगर आप यहीं पर रह गए तो भैया फिर वही अपनी नौकरी करते रहो चाहे मर के कर रहे हो या खुश होकर कर रहे हो वो अलग बात है नौकरी करते रहो टैक्स भरते रहो नौकरी करते रहो टैक्स भरते रहो फिर वो लूप है ना रिपीट होता है तो प्रोग्रामिंग में एक होता है फॉर लूप होता है तो रिपोर्ट रिपीट होता है या वो एक प्रिसाइज एग्जांपल हो सकते हैं वाइल्ड लूप वाइल्ड लूप के लिए कि वाइल्ड लूप में क्या है कोई चीज़ अगर कंडीशन अगर ट्रू नहीं है तब तो वो चीज़ रिपीट होती रहती है जब तक आपका वो कंडीशन में जो मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा तब तक आपका ये लूप घूमता रहेगा नौकरी पर जाओ काम करो ट्रैफिक में डटक रख के आओ अपना सर पिटाओ और बाद में सैलरी लो फिर टैक्स भरो यही लाइफ हो जाएगी आपकी और बहुत ही मिजरेबल लाइफ हो जाएगी बाद में बहुत दिक्कत होगी महंगाई बढ़ रही है इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है करीब रफली टेन परसेंट के आसपास है जो रियल इन्फ्लेशन है शहरों में तो इन्फ्लेशन को बीट करना है आपको और बाकी टैक्सेस बढ़ हो गया है इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो वहाँ भी टैक्स लगेगा सब जगह टैक्स लग रहा है जी एस टी फी एस टी फैनाना कुछ भी करो टैक्स लगेगा तो भैया कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय एक के क्या ज़रा से ज़रा पैसा कमाना है अर्निंग इनकम फ्रॉम मोर देन वन सोर्सेज एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट्स वाई आई वॉन्ट यू गाइस अटेंड दिस वेबिनार दस तारीख को दस अगस्त सैटरडे उस दिन ठीक है ग्यारह बजे से एक बजे तक वेबिनार होगा ठीक है तो मैं वो होस्ट करूँगा मैं ही होस्ट करूँगा मैं आपको बताऊँगा कि कैसे यूट्यूब पर आप आ सकते हैं कैसे आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं यूट्यूब पर चाहे वो कुछ भी हो खाना बनाना हो या गिटार बजाना हो जो भी हो ज्ञान देना हो बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो सब डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ ठीक है फ़ीस रहेगी इसकी इसकी फ़ीस रहेगी पचास रुपये ठीक है इस बार ये फीस थोड़ी कम रखिए ताकि ज़्यादा से लोग जुड़ सकें और इसका फ़ायदा ले सकें फिफ्टी रुपीज़ रखिए फीस ठीक है एंड uh, uh, कोई भी आ सकता है मतलब बच्चा अगर आप बच्चे हो स्कॉलर स्टूडेंट हो आपके लिए यार बेस्ट है आपके पास टाइम ही टाइम है इनफैक्ट uh, क्या मतलब तो कितना पढ़ते हो यार मुझे बता दो तो कितना पढ़ते हो कॉलेज वालों इतना पढ़ते हो यार मतलब क्या मतलब नौ से जी पे रह तो बताओगे हाँ तुम्हारे हर इसमें हर सब्जेक्ट में एच जी पी ए ग्रेड पॉइंट एवरेज कितना है नौ है क्या क्या कर लोगे यार नौ लेके कर नौ ले भी बोल लोगों की नौकरी लग रही है लग भी रही तो पाँच लाख छः लाख बस क्या कर लोगे क्या खाड़ लोगे छः लाख बना का बताओ ऐसा कोई ग्रेट नहीं बन पाओगे ये हाँ आ जाओ बहुत पैसा है भाई यहाँ पर कर लो एंड बाकी लोग जो हाउस वाइफ्स हैं आपको मैम कपड़े प्रेस करने आते हैं आजकल बैचलर्स को तो ये भी नहीं आता इंक्लूडिंग गर्ल्स एंड बॉयज़ कुछ नहीं आता उनको आप सिखाओ उनको कैसे कपड़े प्रेस करते हैं इनफैक्ट बहुत अच्छे चैनल्स हैं ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है लेकिन आप सिखाओ आ, देखो यार आप लोग कुछ बोलेंगे कि यार ये चैनल तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है क्या करें एक बात बताओ चाय वाले तो बहुत है कंट्री में तो क्या मतलब एक ही चाय वाले से लोग लेते हैं क्या पास वाला चाय वाला होगा तो भाई जाता है ना इंसान तो आप चाय के लिए लगाओ कहीं भी चाय तो यार ऑब्वियसली लोग लेंगे लेंगे ऐसा थोड़ी कि यार अगर सौ चाय वाले हैं तो ऐसा एक ही चाय वाला की बिक्री हो रही है ऐसा नहीं तो नहीं होता सब लोग कमाते हैं ऐसी बात नहीं वो आपका वहम है जो भी सारे डाउट्स हैं कम हेयर अटेंड दिस वर्कशॉप जो कि सैटरडे को है पचास रुपये फीस है मात्र अटेंड करिए क्वेश्चन पूछिए आपके जो भी डाउट्स हैं सब क्लियर किए जाएंगे मैं भी बताऊंगा आपको कैसे क्या अल्गोदम क्या चलता है यूट्यूब का अर्निंग कैसे होती है ऑडियंस कैसे लाना है एंड देन uh, कैसे वो uh, आपका काम करता है <laughs> मुझे पता है <laughs> अच्छा और uh, uh, किस टॉपिक्स पे बोलना है कंटेंट क्या होना चाहिए सब कुछ बताया जाएगा तो उम्मीद है आ, ये वेकअप कॉल जो सरकार ने दिया है आप लोगों को झटका दिया है कि ले भाई बारह परसेंट ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट टैक्स कर दिया बीस परसेंट टैक्स कर दिया इससे आप थोड़े से सहमे हो गए और लगा होगा कि नहीं यार अभी तो अब रेस दौड़ने का टाइम आ गया अदरवाइज फिर आप इन्फ्लेशन के बोझ में ऐसे ऐसे कं आप कंधों पे इन्फ्लेशन जब आएगा ना ऐसे पैर रखेगा ना ऐसे आप ऐसे हो जाओगे एकदम आपका जो कंधे जो है ना ऐसे इसका लोड लेते हैं एकदम ऐसे ड्रूप हो जाएंगे ड्रूप शोल्डर्स इसको ऐसे बोलते हैं तो होपली आपको इस वीडियो से गेन हुआ होगा आ, जिनको भी इंटरेस्ट है टाइम तो है वैसे अभी काफ़ी लेकिन कोई नहीं जिनको भी इंटरेस्ट है आप प्लीज़ यू कैन सेंड योर कंसेंट फॉर द वेबिनार बाय मैसेजिंग वाई टी टू बिलो नंबर जो कि मैं नीचे कहीं गया होगा उस पर आप जाके वाई टी व्हाट्सएप कर दीजिए या एस एम एस कर दीजिए जो भी है एंड देन वी कैन टॉक फॉरवर्ड एंड यू कैन रजिस्टर एंड यू कैन जॉइन द वर्कशॉप विच इज़ शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन टेंथ ऑफ अगस्त सैटरडे को ग्यारह बजे से एक बजे तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और बने रहिए मेरे साथ सब्सक्राइब करें चैनल को लाइक like करें वीडियो को अगर आपको पसंद आया और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे आप लोगों के लिए तब तो तक के लिए टेक केयर